नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो पेड़ आप देख रहे हैं, ये पेड़ हर किसी के घर में पाया जाता है। इस पेड़ को कहते हैं धनिया का पेड़। तो दोस्तों, ये जो पेड़ है धनिया का पेड़ है। आपको मालूम है कि धनिया हमारे लिए कितना उपयोगी है। तो दोस्तों, धनिया का सेवन करने से हमारे शरीर की बहुत ही 90% बीमारियों को धनिया हमारा ख़त्म करता है। अगर जिन लोगों या जिन भाइयों की नज़र कमज़ोर है, वो धनिए का जूस पिए, इन पत्तियों को पीस कर धनिए का जूस पिए, तो इससे उनकी जो आँखों की रोशनी होती है वो आ जाती है। और साथ में ही अगर हमारे शरीर में पाचन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो पाचन से रिलेटेड प्रॉब्लम को भी धनिया हमारा दूर करता है। तो दोस्तों, साथ में ये जो हमारे हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी धनिया बहुत ही उपयोगी है। तो धनिया हमें शाम सवेरे डेली हर सब्ज़ी में डालकर खाना चाहिए, जिससे धनिया हमारा शरीर हिष्ट पुष्ट रहता है और बिल्कुल फिट रहता है। और जिन लोगों को स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जिन लड़कियों को स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, वो धनिया का सेवन करें या उसका जूस पिए शाम सवेरे, तो उनका जो स्किन की प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाती है। और जिन लोगों को अगर आँख में कोई प्रॉब्लम है, आँखों में दर्द होता है, तो धनिया के जूस से आँखों को धोने से आँखों का दर्द जो होता है उसको राहत मिलती है। तो दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत ही रामबाण का काम करता है धनिया। तो आप लोगों ने आज सुना कि धनिया के हमारे लिए कितना फ़ायदा है और कितना उपयोगी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, जिससे मैं आपको इससे अच्छी से अच्छी वीडियो चैनल के ऊपर डालता रहूँगा, जिससे आपको भी इस चीज़ के बारे में पता चल सके। जय हिंद, जय भारत।